हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो आज की ये वीडियो यूपी दारोगा भर्ती 5623 और जेल वार्डर फायरमैन एग्जाम के अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं यूपी दारोगा भर्ती 5623 और मिनिस्ट्रियल के पद में जो निकले हुए हैं उनके ऑफिशियल अपडेट्स के साथ एक एक चीज़ें सारी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं यूपी पीआरपीबी के ऑफिशियल साइट पे चलता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें एक एक करके बताते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हम आ चुके हैं यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसा कि आपका 20/7/2020 को एक नोटिस आई है, उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पुलिस और पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु आरएफक्यू जो है आपका एजेंसी के चयन के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो चलिए सबसे पहले आपकी पोस्ट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में जो है मेल की बात करें तो 4498 पोस्टें हैं और फीमेल की बात करें तो आपकी 1125 पोस्टें हैं, यानी 5623 टोटल पोस्टें हैं। उसी प्रकार से बात करें आपकी प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर आर्म पुलिस में यानी पीएसी में मेल की बात करें तो 484 पोस्टें हैं। उसी प्रकार से फायर सर्विस सेकेंड ऑफिसर मेल में बात करें तो 23 पोस्टें हैं और टोटल ग्रैंड टोटल की बात करें तो 6130 पोस्टें जो है आपकी सब इंस्पेक्टर की निकली हुई है पूरी आपकी फायर सर्विस प्लाटून कमांडर पीएसी और यूपी एसआई की। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दिया है आपका एजेंसी के चयन के लिए ये दिया है आपका द यूपी पीआरपीबी इज ए बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी बाय कैरिंग ऑल ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन प्रोसेसेस फॉर सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ऑफ डिफरेंट रैंक द बोर्ड इनविजेज। और सारी ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, आपका देख पा रहा होगा अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट जनरेशन एंड ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन सीबीटी जो है आपका मोड में आपका ये एग्जाम होगा। और आपका दिया है क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ जो है 10,000 क्वेश्चन एज पर सिलेबस और मोर एज पर रिक्वायरमेंट। ये एजेंसी जो आपका एग्ज़ाम कराएगी उसके लिए ये सारी चीज़ें आपका होना चाहिए, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आपको सारी इनसे क्या डेटेड निकल के आती हैं और कब तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे और कब तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों की मैं प्रूफ के साथ इसी नोटिस से बात करूँगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या होता है, क्या हो सकता है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट, जहाँ तक उम्मीद है कि 90% आपका सत्य ही होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये टेंडर कब तक भरा जाना है, उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कब तक आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टेंडर का फाइनलाइजेशन करने के लिए आपका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑफर्स जो है 17/8/2020, यानी आपका बात करें तो 17 अगस्त तक आपका ये टेंडर का है। और डेट ऑफ ओपनिंग टेक्निक बिड्स की बात करें तो 20/8/2020 तक ये टेक्निकल बिड आपका ओपन कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से बात करें तो 17/8 तक यानी लगभग आपका अगस्त मिड तक आपका फाइनल एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा 17 तारीख तक। तो बात करें एजेंसी भी फाइनल होने के बाद भी एजेंसी अपनी कोशिश करेगी कि आपका सितंबर मिड से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और बात करें आपका तो सितंबर मिड से आपका अक्टूबर मिड या लास्ट तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन एक महीने तक चलेगा। उसके बाद करें बाद आपका जो है एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम एक महीने या डेढ़ महीने के बाद, दो महीने के बाद, दो महीने से ज़्यादा आपको टाइम यूपीपीआरपी भी नहीं देगी। और उसके बाद आपका लगभग दिसंबर में या फिर जनवरी में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा और लास्ट आपका फरवरी तक आपका फिजिकल भी करा लिया जाएगा और मार्च तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और बात करें आपकी आगे, तो चलिए बात करें आपके कि कितने स्टूडेंट जो है आपकी मेल फीमेल लिए जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, आपका स्क्रीन पे देख पा रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रोक्स 8 लाख लिए के आसपास अंदाज़ा किया गया है, लेकिन ज़्यादा ही होंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो 8 लाख और बात करें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी की बात करें तो 10,000 ही केवल स्टूडेंट आपके लिए जाएंगे। और इस प्रकार से बात करें आपका फिजिकल की, तो फिजिकल भी आपका लगभग 10,000 स्टूडेंट का ही कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना टफ है, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। उसी प्रकार से बात करें आपका एसआई सिविल पुलिस फीमेल की, तो फीमेल में भी आप देख पा रहे होंगे आपका अप्रोक्स 2,500 छात्राओं को लिया जाएगा। तो इसी प्रकार के अपडेट्स यूपीएसआई या यूपीपी से किसी प्रकार से संबंधित पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अपडेट सबसे पहले और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ चीज़ों को देते हैं। तो चलिए बात करते हैं आपका यूपी फायरमैन और जेल वार्डर एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा
बात करें आपका फिर से मैं UPPRPB के ऑफिशियल साइट पे आप देख पा रहे होंगे 17 जुलाई लिखा है, लेकिन कल का अपडेट आया हुआ है, दिया है आपका उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के 3012 में महिलाओं के 626 पदों के लिए, वार्डर आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102, फायरमैन पुलिस के 2065 पदों से भर्ती 2016 में ऑफलाइन लिखित परीक्षा कराए जाने के संबंध में है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहले नोटिस आया था तो मैं बताया था आपका सितंबर के प्रथम सप्ताह में दिया था, लेकिन अब ये डेट चेंज किया गया है, जिस प्रकार से मैं पहले आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। कृपया उत्तर प्रदेश प्रशासन के निर्देशन अनुसार उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के 3012 पद एवं महिलाओं के 626 पदों के लिए अवार्डर आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 एवं फायरमैन पुरुष के 2065 पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अधियाचन पदों पर लिखित भर्ती की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु अधियाचन बोर्ड में प्राप्त हुआ है। प्राप्त अधियाचित पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई संपादित करने हेतु विज्ञप्ति निर्गत करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसके क्रम में विज्ञप्ति निर्गत करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसके क्रम में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड में प्राप्त हो चुके हैं। उक्त भर्ती बोर्ड के संबंधित ऑफलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, लिखित परीक्षा का आयोजन माह नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। उपयुक्त पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत आयोजित ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई समय अंतर्गत की जाएगी। तो यही आपका अपडेट देना था कि अब आपकी जेल वार्डर और फायरमैन एग्जाम के लिए आपको नवंबर माह तक मिल गया है। तो लगभग आपका नवंबर में बात करें तो जेल वार्डर फायरमैन की बात करें नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और UPSI की बात करें तो UPSI भी लगभग आपकी दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी की फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम होने के 90% चांस है। तो आप UPSI को अपना टारगेट मानकर तैयारी कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे 10,000 स्टूडेंट ही केवल ले जाएंगे आपका UPSI में, और इस प्रकार से यहाँ भी देख पा रहे होंगे आपका 5,000 है, तो लगभग आपका इसमें भी आपका 15,000 के आसपास लगभग 2.5 गुना इसमें लिया जाएगा। तो इसमें भी आपका 12,000-12,500 स्टूडेंट ले जाएंगे, तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। आप UPSI को अपना टारगेट मानकर तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो में यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय एग्जाम, वंदे मातरम।